ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेल्टा। जो इसको समझ गया तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग का समझो राजा बन सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसको गलत समझते हैं। तो ये डेल्टा होता क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,000 पे और ये 50,000 से बढ़कर 50,000 अगर 100 हो जाता है, तो मान लीजिए आपने 50,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, तो ऐसे केस में क्योंकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ चुका है तो जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया होगा उसमें कितने पॉइंट्स का चेंज आएगा, ये सबसे पहले कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट बढ़ा है तो अगर मैंने 50,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है यानी 50,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है तो उसमें 100 रुपए का ही चेंज आना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो ऑप्शन आपने बाय किया है उसका डेल्टा कितना है। और ऐसे केस में क्योंकि आप एट द मनी का ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इसका डेल्टा जनरली 0.5 के आसपास रहता है। अगर आप इन द मनी का ऑप्शन बाय करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको 0.6 भी देखने को मिले, 0.7 भी देखने को मिले। और अगर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय करते, यानी मान लीजिए अगर आपने 50,000 की जगह 50,100 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रखा होता और उस टाइम पर बैंक निफ्टी 50,000 चल रहा होता, तो इस केस में 50,100 का जो डेल्टा होता वो लगभग 0.4 के आसपास होता। तो ऐसे में मैं आपको सारे ही सिनेरियो एक बार बता देता हूं। मान लेते हैं कि 49,900 आ जाएगा यहां पे, तो अगर आपने बैंक निफ्टी मान लीजिए 50,000 चल रहा है और आपने क्या किया, 50,000 का ही अगर कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो ये क्या है, ये एट द मनी का कॉल ऑप्शन है। तो यहां पर अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ जाता है तो इस केस में 100 × 0.5 यानी कितने पॉइंट्स का चेंज आएगा, 50 पॉइंट्स का चेंज आएगा। तो जो भी ऑप्शन आपने बाय किया होगा उसकी प्राइस 50 रुपए बढ़ जाएगी, जबकि अगर आपने 50,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो उसकी प्राइस कितना बढ़ेगी, उसकी प्राइस 0.4 × पॉइंट तो 100 ही बढ़ा है, 40 रुपए बढ़ेगी। जबकि अगर आपने ये इन द मनी वाला ऑप्शन बाय किया होता 49,900 का तो इसकी प्राइस कितनी बढ़ती, इसकी प्राइस बढ़ती 60 रुपए। यानी वही बैंक निफ्टी है, वही 100 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन एक ऑप्शन की प्राइस 50 रुपए बढ़ रही है, दूसरे की 60 रुपए बढ़ रही है, तीसरे की 40 रुपए बढ़ रही है, और हो सकता है कि आपने और दूर का आउट ऑफ द मनी बाय किया होगा तो उसकी जो प्राइस होगी वो 30 रुपीज बढ़ेगी। अब यहां पर मुझे पता है आपने अभी से सोच लिया होगा कि हमें तो इन द मनी ऑप्शन ही बाय करना चाहिए क्योंकि 100 ही पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है, लेकिन यहां पर 60 रुपए का चेंज आ रहा है जबकि यहां पर सिर्फ 40 रुपए का चेंज आ रहा है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं और वहां पर हम डेल्टा को देखते हैं। उसके बाद में आपको डेल्टा से जुड़ी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको ये बात बहुत ही कम लोगों से पता चलेगी। वैसे इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी यहां पर जो थीटा आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर बात कर चुका हूं, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे मगर मोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूं तो इसके लिए कॉमेंट में ऑप्शन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आएंगे तभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो डेल्टा है ये एक ऑप्शन का कितना चल रहा है ये जानने के लिए हम आ चुके हैं सेंसिबल की वेबसाइट में। क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। और वैसे भी अगर आपके पास एंजल वन ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट है तो आप इस प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहां पर एनालाइज वाले सेक्शन पे जाना होता है और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद नीचे यहाँ पे ग्रीक्स व्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं, गामा, वेगा, थीटा और डेल्टा, वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रो भी एक ऑप्शन ग्रीक होता है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम आज मेन बात कर रहे हैं डेल्टा के बारे में। थीटा के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो या तो यूट्यूब में सर्च कर लो नीरज जोशी थीटा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है कि डेल्टा होता क्या है। तो देखिए डेल्टा हमें बताता है कि अगर जो अंडरलाइंग एसेट है, यहां पर अंडरलाइंग एसेट क्या है, वो है बैंक निफ्टी। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी क्या हो गई, आपकी अंडरलाइंग एसेट हो गई। तो इस अंडरलाइंग एसेट में
एक पॉइंट का चेंज आने पर कितना आपने जो ऑप्शन बाय किया है या जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें डेल्टा बताता है। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, फिर से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी चल रहा है 50,578, जो कि इस केस में अंडरलाइंग एसेट है। तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी एक पॉइंट बढ़कर 50,579 हो जाता है, तो यहां पर अगर मान लीजिए आपने 50,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो उसकी जो प्राइस होगी वो 0.50 रुपीज बढ़ेगी। अगर आपने 50,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो उसकी जो प्राइस होगी वो 0.55 रुपीज बढ़ेगी। और ऐसे अगर हम डीप इन द मनी चले जाएं तो यहां पर हो सकता है कि एक पॉइंट बढ़ने पर एक रुपए भी प्राइस बढ़ जाए, 0.99 तो आपको देखने को मिल ही रहा है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने बहुत दूर का ऑप्शन बाय कर रखा है तो हो सकता है कि एक पैसे प्राइस बढ़े एक रुपए यहां पर अंडरलाइंग एसेट में बढ़ने पर। अब यहां पर फिर से आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर तो भैया इन द मनी बाय करेंगे, थोड़ा महंगा तो पड़ेगा लेकिन ये जो डेल्टा है ये ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। बट डेल्टा के केस में आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और मैं कहूंगा कि आप उल्टा सोच रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पर आप देखो, ये जो हमारा 50,600 का कॉल ऑप्शन है इसकी प्राइस कितनी चल रही है, वो चल रही है 276 रुपीज। ऐसे में अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो यहां पर कितने रुपए का चेंज आएगा, 100 मल्टीप्लाई विद 0.50 यानी 50 रुपीज का चेंज आएगा। तो अब अगर मैं परसेंटेज वाइज ये चेंज कैलकुलेट करूं तो 50 डिवाइडेड बाय जो प्राइस हम दे रहे हैं वो है 276 रुपीज, और मल्टीप्लाई विद 100 करूं तो ये कितने परसेंट का चेंज है, ये है लगभग 18% का चेंज। जबकि अगर मैं कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करता हूं, जैसे मान लीजिए 50,600 यहां पे बैंक निफ्टी चल रहा है और मैं 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं तो इसका डेल्टा तो 28 रुपीज है। यानी अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये सिर्फ 28 पॉइंट ही बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं 28 को डिवाइड करता हूं, जो प्राइस मैं दे रहा हूं वो है 114 रुपीज, तो ये निकल कर आता है 24.56%, यानी लगभग 24%। तो वही बैंक निफ्टी है, उसमें अगर आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया है तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है 100 पॉइंट्स तो इस केस में अगर आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया होगा तो वो 18% बढ़ेगा, मतलब आपको 18% का प्रॉफिट होगा। जबकि अगर मान लीजिए आपने 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है जो कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो इस केस में भले ही यहां पर आपको डेल्टा 0.28 का दिखाई दे रहा है, यानी 100 रुपए बढ़ने पर इस ऑप्शन की जो प्राइस है वो सिर्फ 28 रुपए बढ़ेगी, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये 24% है, यानी यहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करके। अब यही एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा दूर का ऑप्शन बाय कर रहा हूं, पहला तो मुझे सस्ता मिल रहा है, दूसरा अगर मार्केट बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे, इसलिए वो थोड़े दूर के ऑप्शन को बाय करना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि किसी भी किताबों में नहीं लिखी हुई है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। और वो ये है कि जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तब आपको फायदा कब होता है, आपको फायदा तब होता है जब आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया है वो एक्सपायरी के टाइम पर इन द मनी में जाकर एक्सपायर हो। यानी अगर मान लीजिए आपने 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है तो इस केस में एक्सपायरी के दिन पर आपको फायदा तब होगा जब आपने जिस ऑप्शन को बाय किया है, यानी 51,000, अभी मार्केट चल रहा है 50,578, मार्केट 51,000 से आगे जाकर एक्सपायर हो तभी आपको फायदा होगा, 51,000 पे भी एक्सपायर हो गया तब भी आपको फायदा नहीं होगा। तो भले ही जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर डेल्टा के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कुछ लोगों को तो खैर ये देखकर वो डायरेक्टली सोच लेता है कि यहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन की प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको आउट ऑफ द मनी में जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो रहा है। तो भले ही लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द मनी में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में ये भी बताता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मार्केट जब एक्सपायरी होगी उस टाइम पर जो भी ये स्ट्राइक प्राइस है उस पर एक्सपायर होगा, उसके परसेंटेज भी ये बताता है। मतलब एग्जांपल से समझाता हूं अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद नहीं आया होगा समझ, बहुत ज्यादा डीप बात कर दी थी मैंने। तो यहां पर मान लेते हैं कि आप 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है वो चल रहा है 50,600 पे,
तो यहां पर 14 अगस्त जो कि इसकी एक्सपायरी है उस दिन बैंक निफ्टी के 51,000 पर आने के जो चांसेस है ना वो है 0.28 मल्टीप्लाई विद 100 यानी 28%। तो यहां पर चांसेस क्या हो गए, चांसेस हो गए कम। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी 50,600 चल रहा है और आप 50,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं जो कि एक एट द मनी कॉल ऑप्शन है, तो यहां पर बैंक निफ्टी के 14 अगस्त के दिन 50,600 पर एक्सपायर होने के जो चांसेस हैं वो 50% है, यानी यहां पर चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसकी जगह अगर मान लीजिए आप एक इन द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, मान लीजिए जो बैंक निफ्टी है वो चल रहा है 50,600 और आप 50,500 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपायरी है 14 अगस्त की, इस दिन जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 50,500 से आगे जाके एक्सपायर करेगा, तो वो तो ऑलरेडी 50,600 पर है, तो यहाँ पर तो जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 55% है क्योंकि मार्केट गिर भी तो सकता है ना, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आपको 55% दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। दूसरा, मैंने आपको थीटा वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, यानी अभी बैंक निफ्टी 50,600 चल रहा है, आपने 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, मतलब 14 अगस्त तक जो बैंक निफ्टी है उसको लगभग 400 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा आपकी स्ट्राइक प्राइस पर आने के लिए, तो इस केस में आपको जो थीटा देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 57 पॉइंट्स का, यानी अगर बैंक निफ्टी एक दिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है तो इस 114 रुपए में से ना 57 रुपए कम हो जाएंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया है कि अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 50,600 पे और आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लेते हैं मान लीजिए 51,000 का, तो यहां पर डेल्टा के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट होगा वो तो ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है, लेकिन यहां पर आपको जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी सिर्फ 28% है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसका जो थीटा चल रहा है वो चल रहा है 57 रुपीस का, यानी अगर मान लीजिए एक दिन बैंक निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव मूव नहीं आता है या फिर कोई भी मूव नहीं आता है और बैंक निफ्टी वहीं का वहीं रहता है, तो ऐसे में इन 114 रुपए में से 57 रुपए तो पहले दिन ही घट जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% का लॉस तो आपको ऐसे ही हो जाएगा। जबकि वहीं अगर मान लीजिए आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया होगा, बैंक निफ्टी अभी 50,600 चल रहा है और आपने 50,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, तो इसका जो थीटा है वो है 70 रुपीज का। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 70 / 276 × 100, तो यहां पर आपको कितना लॉस होगा, वो होगा 25% का अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता, जबकि यहां पर आपको 50% का लॉस हो जाएगा। तो पहला, तो अगर आप एट द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा है जो कि 50% के आसपास है, और दूसरा उसमें जो थीटा का आपको लॉस होता है यानी टाइम बढ़ने की वजह से जो थीटा डिके होता है और आपके ऑप्शन की जो प्राइस है प्रीमियम है वो घट जाता है, वो भी यहां पर कम होगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि या तो आप एट द मनी ऑप्शन को बाय करो या फिर आप इन द मनी ऑप्शन को बाय करो। अब मान लीजिए आप बैंक निफ्टी अभी 50,600 चल रहा है और आप 50,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो मार्केट तो 50,500 से ऑलरेडी बढ़कर 50,600 पे जा चुका है, तो यहां पर पहली बात तो आपका जो थीटा है वो 71 रुपीज़ का है, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 71/332 यानी 21%। अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता तो आपको सिर्फ 21% का लॉस होगा, जबकि यहां पर आपको 50% का लॉस हो रहा था, तो यहां पर 21% का लॉस हो रहा है। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी यहां पर ज्यादा है जो कि है 55%, 0.55। भले ही वो प्रॉफिट अगर आपने आउट ऑफ द मनी को बाय किया होता तो ज्यादा होता, लेकिन यहां पर प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि या तो आप एट द मनी ऑप्शन को बाय करें या फिर आप इन द मनी ऑप्शन को बाय करें, और बहुत ही रेयर केसेस में आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करना चाहिए, बट फिर भी लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, और सस्ते के चक्कर में वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम 51,000 का ऑप्शन देखें तो अगर मैं इसके लॉट का प्राइस देखूं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो मुझे आउट ऑफ द मनी लॉट मिल रहा है ये 1723 रुपए में मिल जा रहा है, जबकि अगर मैं एट द मनी का बाय करूंगा तो ये मुझे 4148 रुपए में मिलेगा।
तो अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो यहां पर मैं सिर्फ 2 लॉट बाय कर पाऊंगा, जबकि यहां पर मैं शायद 5 लॉट आराम से बाय कर लूंगा। तो इसलिए लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, ये आज आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है ना, तो इसके ऊपर हमने एक फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चल सकते हैं। अगर कुछ बातें आपके दिमाग से निकल गई, ऊपर से चली गई, तो वो उस कोर्स को देखने के बाद सब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे मगर मोटे टॉपिक्स के ऊपर बात करता रहूं, तो इसके लिए कमेंट में ऑप्शन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने हमारी थीटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।